तेरे दुख दर्द की तस्वीर छिपा लाया हूँ, तेरे जख्मों की अक्सीर छिपा लाया हूँ, तेरे आंदा की तकदीर छिपा लाया हूँ। जनाब से सलाम। मैं सबसे पहले आप सबका रवादारी तहरीक पाकिस्तान की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप एक बहुत ही अहम मौजू पर गुफ्तगू सुनने के लिए और सुनाने के लिए हमारे पास तशरीफ लाए हैं। और कुछ लोगों को ये लगता है कि जो अकलियतें हैं उनको हमने जन्नत में रखा हुआ है, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जन्नत में तो आप अक्सरियत को भी नहीं रख पाए अभी तक, तो अकलियत के लिए ये मुल्क जो है वो कैसे जन्नत बन गया है। पर मसाइल की फहरिस्त बहुत तवील है और हर नशिस्त में हम हर मसले पर बात भी नहीं कर सकते, इसलिए आज का मौजू जो है वो बहुत ही मखसूस है और उसका ताल्लुक है हमारे सियासी हुकूक के साथ। हमारा ये बड़ा कंसिडर्ड ओपिनियन है कि पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ना है एक कामयाब खुशहाल पुरअमन रियासत बनना है तो जो सियासी निज़ाम इसको आगे ले जाएगा वो खालस जमहूरी निज़ाम ही होगा। अभी तक तो हम नहीं समझते कि यहाँ कोई खालस किस्म की कोई जमहूरियत है, अभी इस जमहूरियत के अंदर जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसके खालिसपन को खालिस नहीं होने देती, रहने दीजिए नहीं देती। तो इसलिए जो इस वक्त माहौल चल रहा है इस पे हमारे बड़े सवाल हैं। 8 फरवरी का इलेक्शन, हम समझते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन डंक टपाऊ या इलेक्शन बराए इलेक्शन नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में हमें एक ही ऐसा इलेक्शन चाहिए जिसको पाकिस्तान के लोग जिम्मेदारी से कहें कि हाँ ये वाकया ही गैर जानदार और शिफाफ इलेक्शन है। लेकिन इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान में हरकतें हो रही हैं निगरानों की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से या इदारों की तरफ से, उससे हम ये कह सकते हैं कि ये आने वाला इलेक्शन जो है वो होने से पहले काफी हद तक मुतनाज़े हो चुका है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि ये जो पाकिस्तान की जमहूरियत है इसमें जो कमजोर तबका है पाकिस्तान के उनका कितना हिस्सा है, उनको इस जमहूरियत में कितना शेयर मिल रहा है। मैं मजदूर मेहनतकश खवातीन बच्चे खेत मजदूर सैनिटरी वर्कर भट्टों पे काम करने वाले यहाँ पाकिस्तान की 50% खवातीन और पाकिस्तान के वो शहरी जिनको आपने अकलियत करार दिया है या जिनको आप अकलियत समझते हैं, जिनके साथ आप सलूक ऐसा करते हैं कि वो खुद से ही अपने आप को अकलियत समझते हैं, उनका क्या हिस्सा है इस जमहूरियत के अंदर। ये वो सारे सवाल आते हैं जो हमारे सामने हैं, जिन पर हमें जो है वो गौर करने की जरूरत है। लेकिन आज जो बहुत स्पेसिफिक मौजू हम आपके सामने लेकर आए हैं वो ये है कि पाकिस्तान की वो अकलियतें जो आईनी तौर पर पाकिस्तान के बराबर के शहरी नहीं है अपने मजहब की वजह से और उस हैसियत की वजह से उनके साथ मुआशरे में मजहबी इम्तियाज बढ़ता जाता है, तासुब बढ़ता जाता है, नौकरियों में तालीम के मैदान में हर समाजी जो पहलू है उनकी जिंदगी का वहां पर उन्हें मजहब की बुनियाद पर कुछ ना कुछ फेस करना पड़ता है। और फिर जो 80 की दहाई से यहाँ पर जो मजहब की पॉलिटिक्स हुई है उसके बाद जो तबका ज्यादा वल्नरेबल हुआ है उसमें पाकिस्तान की मजहबी अकलियतें भी शामिल है। यहाँ जो मजहब की बुनियाद पर कवानीन बनाए उसका बाद में नतीजा जो है वो हमने जब कॉलोनी जलाए जाने की सूरत में देखा, हमने शमा और शहजाद को जलाए जाने की सूरत में देखा, जो ताजा तरीन किस्त हमने देखी है वो जड़ावाला में देखी है। तो आज वो मैं सारी चीजें जो है वो गिनवाने के लिए यहाँ इकट्ठा नहीं हुआ, सिर्फ ये बताने के लिए कि वो पार्लियामेंट जहां इस मुल्क के लोगों के मसले हल होने हैं वहां उन लोगों की मौजूदगी कितनी है, वहां उनकी नुमाइंदगी जो है वो कितनी मुअसर है, ये बहुत अहम सवाल है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरे लोग हैं उनकी नुमाइंदगी बड़ी मुअसर है, नहीं, उनकी भी नुमाइंदगी इंतहाई गैर मुअसर है।
लेकिन उनके लिए पॉजिटिव चीज ये है कि वो एक प्रोसेस से तय करके लोगों से वोट लेकर तो कम से कम पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं, लेकिन यहाँ अकलियतों के मामले में अक्सर जो है वो सूरत हाल फर्क है। तो आज हम एक मजाक सुनाने के लिए आपको हमने इकट्ठा किया जो पाकिस्तान की अकलियतों के साथ हो रहा है, और यही हमारे तहफात जो है वो खवातीन की जो मखसूस नशिस्तें हैं इस निज़ाम में उन पे भी हमारे तहफात या हमारी रेजर्वेशन जो है वो तकरीबन तकरीबन वही है। मैं दो तीन चीजें जो है वो क्लैरिफाई करके बराबरा रास्त मौजू पे आता हूँ। पहली बात तो ये कि जो कुछ हम बात करेंगे यहाँ ये हमारा नुकता नजर है, हमने ये कह रहे हैं कि ये हमारी कोई बात रस्मी है या आप जो है वो 100% इससे मुतफिक हो, आप इसे इख्तलाफ राय कर सकते हैं, करना चाहिए, इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुसन है, बस गाली गलौज से जरा परहेज करना चाहिए, लड़ाई से परहेज करना चाहिए, इख्तलाफ राय जो है वो आपको जान दी देंगे। दूसरी बात ये है कि जब से हमने इस सिलेक्शन सिस्टम के खिलाफ जदोजहद किया, कुछ वो लोग जो सिलेक्शन सिस्टम के चोर दरवाजे से इक्तदार में जाना चाहते हैं चले गए हैं, या वो लाइन में लगे हुए हैं, या वो और उनका खानदान जो है उसका बेनिफिशियरी है, वो हम पर इल्जाम लगाते हैं कि आप दोबारा से सेपरेट इलेक्टेड चाहते हैं। मैं इस फोरम से रवादारी तहरीक का बहुत वाज़े मौकफ पेश करना चाहता हूँ और ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं वो शख्स हूँ जो उन लोगों में शामिल था जिन्होंने पाकिस्तान में मखलूत इंतखाबात के लिए जदोजहद की। इसलिए हम कभी नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान में जुदागाना तर्ज़े इंतखाब वापस आने चाहिए। हम ये कहते हैं कि ये जो मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर आपने चोर दरवाजा खोल दिया है और आपने जमहूरी में एक गैर जमहूरी और गैर मुनसफाना तरीका अडॉप्ट किया है, ये गलत है। इसके अंदर मेरिट और एक ऐसा सिस्टम जो है वो लेकर आने की जरूरत है कि मखलूत तर्ज इंतखाब भी रहे और अकलियतें जो है वो उनका जो जमहूरी हक है कि वो फैसला करें कि मेरा नुमाइंदा कौन होगा। इस वक्त हो क्या रहा है, अब मैं इस पर बात करना चाहता हूं। हो ये रहा है कि 2002 से जब इस मुल्क के सबका डिक्टेटर परवेज मुशरफ ने अपने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए से एक नया निजाम मुतारफ करवाया तो उसमें कहा गया कि अकलियतों की मखसूस नशिस्तें मौजूद रहेंगी जो पहले भी थी, उनमें इजाफा भी नहीं किया गया, ये भी एक ज्यादती है, बाकी सीटों में इजाफा किया गया। लगता है अकलियतों की आबादी बढ़ी नहीं है, अकलियतों की आबादी कम होती जा रही है कि आप दूसरी सीटें जो है बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन अकलियतों की नशिस्तें आप बढ़ाने को तैयार नहीं। ये भी एक और फिर उससे बड़ी ज्यादती है कि आप सेंसेस भी अपराध शुमारी करते हैं लेकिन उसके नतायज भी नहीं देते, आप अपराध शुमारी भी अकलियतों के लोगों की दो नंबर अपराध शुमारी करवाते हैं और इसीलिए आप बताते भी नहीं है क्योंकि आपको पता है कि बताएंगे तो फिर इनका हक जो है वो ज्यादा होगा, ये हक मांगेंगे। लेकिन हम हक मांगने से चुप तो नहीं रहेंगे, आपको मांगेंगे। अच्छा, हो ये रहा है कि इस निजाम के तहत कहा गया है कि सलीम सिल्वेस्टर साहब और असलम मेराज साहब, गोगा मसीह, रामदास, ये 10 नशिस्तें कौमी असेंबली की और सूबाई असेंबलियों में जो नशिस्तें हैं ये आम आपको देते हैं, ये हम आप पर एहसान कर रहे हैं कि हम आपको पार्लियामेंट में नुमाइंदगी देंगे, लेकिन ये नुमाइंदा आपका कौन होगा ये इख्तियार हम आपको नहीं देंगे। ये कौन सी जमहूरियत है, ये मजाक है और ये मजाक ही बताने के लिए आज आपको जो है वो यहां पर इकट्ठा किया। नुमाइंदा नुमाइंदा परवेज मसीह का है, नुमाइंदा लवली सिंह का है, नुमाइंदा जो है वो प्रकाश कुमार का है, लेकिन उस पर फैसला कौन करेगा, इस मुल्क की मुक्तदर अशराफिया फैसला करेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो फैसला करेंगे, मौलाना फजलुर रहमान फैसला करेंगे, एमल वली खान फैसला करेंगे, नवाज शरीफ या मरियम नवाज फैसला करेंगी, यहाँ जहांगीर तरीन फैसला करेगा कि मेरा नुमाइंदा कौन है, ये बिल्कुल जो मेरे वोट से मुंतखब नहीं हुआ, आप जिस भी हलके में रहते हैं, आप शाहदरा में रहते हैं, आप योहनाबाद में, बहार कॉलोनी में, जिस भी हलके में रहते हैं,
वहां पर जो भी कैंडिडेट है उसको वोट डालते हैं, फिर वो आपका नुमाइंदा मुंतखब होता है। आप कहते हैं कि ये मेरा नुमाइंदा है, लेकिन अकलियतों के मामले में आपने सारी दो नंबरी कर दिया। आपने कहा कि ठीक है मखसूस नशिस्तें हम आपको देते हैं, लेकिन इन पे फैसले का इख्तियार हम आपको नहीं देंगे। और फैसले का इख्तियार पता है किसको नहीं होता? फैसले का इख्तियार गुलामों को नहीं होता। ये गुलामी की एक शक्ल है और हम इस गुलामी को नहीं मानते। क्या हमें ये फैसला करने का इख्तियार नहीं देते कि हमारा नुमाइंदा कौन होगा? घर में बैठे हैं लोग जिनको ना मसीही बरादरी के लोग जानते हैं, ना हिंदू बरादरी के लोग जानते हैं, ना सिख बरादरी के लोग जानते हैं। अचानक हमारे सामने जो है वो लिस्टें आ जाती हैं और मुझे कहा जाता है कि ये आपका नुमाइंदा है, आपने फैसला कर लिया है। और हमारे पास नाम मानने की चॉइस नहीं है, हमारे पास नाम मानने की चॉइस है, उसको हमने मानना ही मानना है, क्योंकि फैसला किसने कर दिया? इस मुल्क की अशराफिया ने। हमारे पास नाम मानने की चॉइस नहीं है, तो फिर ये जमहूरियत तो ना हुई, ये तो फिर लॉटरी सिस्टम है। घर में बंदा बैठा है, उसकी लॉटरी निकल आई है और वो लॉटरी हम पर जो है वो इम्पोज कर दी गई है कि ये लॉटरी के जरिए से हमने आपके लिए फैसला किया है। जमहूरियत लॉटरी ने मुल्की जमहूरियत का लफ्ज जमहूर से निकला है। जमहूर का मतलब है अवाम, ऐसा सियासी निजाम जिसमें फैसला अवाम करती है, वोटर करता है कि मेरा नुमाइंदा कौन होगा। लेकिन यहां अकलियतों के मामले में, यहां खवातीन के मामले में, इस मुल्क की मुक्तदर अशराफिया अच्छा हुण सादरी जमीर फैसला करेगा कि साडा नुमाइंदा कौन है। देखो है ज्यादती है ना, जिन्होंने की नहीं किया है, जेडे मानते ही नहीं कि साडा वजूद है, जेडे आंदे सन कि इन्हां दा काम ते लैटरीना साफ करना है, फैसला करेंगे साड़ा नुमाइंदा कौन होएगा? शर्म की बात, ये जमहूरियत नहीं है, ये जाली जमहूरियत है, हम इस जमहूरियत को नहीं मानते। और आखिरी एक दो बातें करके इजाजत चाहता हूं, क्योंकि और मुकर्रिन ने भी यहां बात करनी है। जो पार्टी की मर्जी से आता है, जो पार्टी की मर्जी से सिर्फ आता है, किसी से वोट लेकर नहीं आता, वो मेरी गल करेगा या पार्टी की गल करेगा? कोई मुझे उठकर बता दे कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कोई पिछले 22-20 सालों में कोई प्रो माइनॉरिटीज लेजिस्लेशन की, मुझे जरा उठ के बता दे। या पाकिस्तान की माइनॉरिटीज चीखती रही हैं कि हमारी बच्चियों को, नौजवान बच्चियों को उठाकर ले जाते हैं, जबरदस्ती उनका मजहब तब्दील करते हैं, और उनकी तादाद अगर हजारों में नहीं है तो उन बच्चियों की साल में सैकड़ों की तादाद है। यहाँ अकलियतों के लोग चीखते रहे हैं कि यहाँ जो है वो हम पर झूठे इल्जाम लगाकर हमारी बस्तियों को जलाते हैं, हमारे लिए कुछ करो। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर या तो कोई अकलियतों के हकूक के लिए कानून साजी इनिशिएट नहीं होती, अगर इनिशिएट होती है तो उसको बुरे तरीके से सनाह किया जाता है, अकलियतों की बेइज्जती की जाती है पार्लियामेंट के अंदर भी। और एक साहब तो कहते हैं कि हमने तो अकलियतों को पहले ही बड़े हकूक किए हुए हैं, और वो जो उन्होंने हमारे नुमाइंदे बनाकर बिठाए हुए हैं उनमें तो कभी ये जरूरत भी नहीं हुई कि वो वॉक आउट ही करते हैं असेंबली से, क्योंकि उनको वॉक आउट करने के लिए भी पार्टी की जाती है। बाबा ये सरासर हमारे सियासी हकूक की खिलाफ वर्जी है, ज्यादती है, गैर मुनसफाना है, गैर जमहूरी है। इसलिए आज हम इकट्ठे हुए हैं कि इस वक्त जो है वो आपके पास वोट लेने के लिए लोग आ रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि आपके साथ ज्यादती हो रही है तो आप में हिम्मत भी होनी चाहिए ये कहने की कि ये निजाम गलत है। जो आपके पास वोट लेने आए उसको कहो कि ये गलत है। मेरा नुमाइंदा मुजम्मल काकड़ होगा जिसको मैंने वोट दिया है, चाहे वो मेरे मजहब का है, जिसने मेरे से वोट नहीं लिया मैं उसको अपना नुमाइंदा नहीं मानता। बहुत शुक्रिया। पॉलिटिशियंस है या यहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने कभी भी आम आवाम की नुमाइंदगी नहीं की, वो सिर्फ अपने मफादात के जंग लड़ते रहे। और आज भी जिस मौजू पे ये इवेंट है, देखिए जो लोग एक मखसूस अशराफिया है, सियासत उन्होंने अपना जागीर समझा हुआ है, कोई आम बंदा सोच भी नहीं सकता कि सियासत में आ जाए, क्योंकि अरबों रुपये चाहिए आपको
किसी का साथ चाहिए जो आपको फिर पैराशूटर की तरह या तो मरूसी सियासत के साथ या पॉलिसी साजों के साथ मिलके फिर आप आ सकते हो, मगर जो आप लोगों के साथ रवैया है वो उससे भी एक कदम आगे है। यानी वो लोग जो आपके वोट से नहीं आ रहे वो कभी भी आपकी नुमाइंदगी नहीं कर सकते और ना करेंगे, उन्हें परवाह ही नहीं है। वो आपके बजाय वो उनकी जो मेन स्ट्रीम पार्टी है उनके पास जाएंगे, उनकी चापलूसी करेंगे, फिर वो लोग वहाँ से मुंतखब होके फिर उनकी मफादात की जंग लड़ेंगे, वो अकलियतों के बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये मैं तो मतलब एग्री हूँ इन चीज़ों पे, और साथ में जो और आल हालात है ख़ास तौर पे मेहनत कशों के साथ उस पर भी मैं थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ। मतलब जो हमारे ही हल्के में जो ख़ास तौर पे क्रिश्चियन कम्युनिटी या बाकी जो मेहनत कश हैं, ये लोग जो मुसलसल वहाँ से मुंतखब हो रहे हैं, वहाँ के मसाइल कभी इन्होंने हल नहीं किए। 40 सालों में लाहौर शहर के अंदर एक इलाका है वहाँ पे एक भी सरकारी स्कूल नहीं बना है, वहाँ के पीने का पानी जो है वो जहर है, उससे स्मेल आ रहा है, वहाँ पे जो सेवरेज का सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पे नाकेस है, पूरे हलके में एक भी कब्रिस्तान नहीं। यानी अगर कोई बंदा पोत होता है तो ख़ानदान वालों के लिए उस बंदे से ज़्यादा उसकी फिक्र की उसकी कब्र की टेंशन होती है कि कहाँ से उनकी कब्र ढूंढ ले। वहाँ पे जो है गैस नहीं आ रही, वहाँ पे बिजली का मसला है, बिजली के बिलों में इजाफे की वजह से लोगों ने अपने बाइक्स, अपने फ्रिज, अपने मोबाइल्स बेच दिए, मगर मजाल है कि जो वहाँ से मुंतखब नुमाइंदे कि उनमें कोई एहसास हो। और 5 साल बाद वो दोबारा आते हैं और वो क्या कर रहे हैं उस आवाम के साथ, एक तो ये है कि वो समझते हैं कि ये हमने इतने बेबस कर दिया कि इनका ज़मीर मर चुका है। आज भी जिस हल्के से हम इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ पे 5,000 रुपये पे ये मेन स्ट्रीम पार्टियाँ वोट ले रहे हैं, 5,000 रुपये पे वहाँ के बच्चों का मुस्तकबिल, वहाँ के जो औरतें जो रोज़ाना मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, और ये इतने गिर चुके हैं कि 5,000 रुपये के साथ साथ एक तरफ से बाइबल रखा होता है और एक तरफ से कुरान रखा होता है, उनसे हलफ लिया जा रहा है। ये पार्टियाँ कभी भी आम आवाम की नुमाइंदगी नहीं कर सकती, इनमें वो अहलियत नहीं है कि ये आम आवाम के मसाइल हल कर ले। और इस तमाम प्रोसेस में जब हम देख रहे हैं, मैं एक आम घराने से हूँ, मैं बहुत ही पसमानदा डिस्ट्रिक्ट से हूँ बलूचिस्तान का, जहाँ पे कबायली दुश्मनियाँ है, जहाँ पे तालिबान है, पिछले कई 40 सालों का जो अफगान जंग है, जहाँ पे हमारे ही इलाके से वहाँ पे तालिबान जाते थे, हमारे इलाकों में दीवारें बने हुए जो अफगानिस्तान में लड़ चुके लोग दीवार शहीदा के नाम से, वहाँ पे हर तरह के मसाइल। मगर जब मैं लाहौर में देखता हूँ कि यहाँ पे भी वही पसमानदगी, सिर्फ फर्क ये कि इज्तमाही मसाइल हमारे सेम है, वहाँ पर सिर्फ दहशतगर्दी थोड़ा सा इससे हट के, वहाँ पर फिर रियासत के एक अलग से जबर है वो भी हट के, मगर इस वक्त हमें जो आम लोग इस मुल्क के जो आम शहरी जब तक वो मुतहद ना हो तब तक ये मेन स्ट्रीम पार्टियों में कोई अहलियत नहीं और यह कि पॉलिसी साजों को कोई परवाह नहीं, ये मसाइल हल नहीं हो सकते। हम एक एक शख्स इन मसाइल का सामना कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक यहाँ पे जितने भी साथी हम थोड़े से खुश नसीब है, कम अज़ कम हमारी आवाज़ कहीं ना कहीं तक पहुँचती है। मेरे डिस्ट्रिक्ट में पिछले 110 दिन से धरना है, हज़ारों लोग बैठे हुए हैं वो धरना दे रहे हैं, हज़ारों लोग। आज गिलगित में भी पिछले कई दिनों से धरना है जो कहीं भी नज़र नहीं आता है, मगर लाहौर शहर की यही खुशकिस्मती हमारी जितने भी साथी कि हमारी आवाज़ हम पहुंचा सकते और यहाँ से एक मुस्बत रोल अदा कर सकते, आम जो लोग हैं जो इस मुल्क के गरीब तबका है उन्हें मुतहद करने में, जो अकलियतों के साथ जो जुल्म हो रहा है, मतलब हमें अंदाज़ा है कि मैं खुद एज़ अ पश्तून मसाइल का सामना करूँ तो अकलियतें जो है वो तो काफ़ी मुझसे ज़्यादा इन मसाइल का सामना कर रहे हैं। तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि मतलब सिर्फ इलेक्शन लड़ना या जीतना ये मेरा मकसद नहीं है, अगर यही मकसद होता तो मैं जितना मेहनत लाहौर में कर रहा हूँ अगर अपने हल्के में कर लूँ तो आसानी से हम जीत सकते। मैं इस शहर में इसीलिए मौजूद हूँ, इसीलिए मेहनत कर रहा हूँ कि इस शहर से हम मुतहद हो के अकलियतें या पे या के गरीब या के मेहनत कश हम पूरे पाकिस्तान में एक आवाज़ पहुँचा दें, आम लोगों में शऊर लाए कि जो मसाइल का सामना हम कर रहे हैं अशराफिया को उनका अंदाज़ा ही नहीं।
और मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ, हमारी मीटिंग्स भी चल रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि पाकिस्तान जिस सोच पे, जिस ख्याल पे बना था, उसका मकसद ही था कि ये वो सरजमीन होगी जिसमें हर शोबा ज़िंदगी के लोग, हर मज़ाहिब के लोग प्यार मोहब्बत से रहेंगे, अमन व सुकून से रहेंगे और उनको बराबर के हकूक मिलेंगे। ये मेरे इकबाल का ख्वाब था और मेरे कायद का पाकिस्तान था, मेरे कायद आज़म का पाकिस्तान था, जो कहीं रास्ते में भटक गया, खो गया और हम उन राहों पे चल पड़े कि जहाँ पे जिस तरह हकूक मसख किए जाते हैं, वो किसी, अच्छा अब जो मिनॉरिटी होती है, किसी जगह मजहबी मिनॉरिटी हो जाती है, किसी जगह जेंडर मिनॉरिटी हो जाती है, किसी जगह क्या मिनॉरिटी के भी अलग से, मिनॉरिटी का मकसद सिर्फ मजहबी मिनॉरिटी नहीं होता। अब जैसे बलूचिस्तान वाला भाई मेरा जो बात करके गया है, वहाँ कबाइल का जो सिस्टम है उसमें वहाँ के जो छोटे कबीले हैं वो मिनॉरिटी की हैसियत रखते हैं और उनके साथ नारवा सलूक रखा जाता है। इस पर प्रैक्टिकली काम करने की ज़रूरत है। बीइंग अ पॉलिटिकल लीड पर्सन, अगर मैं असेंबली में पहुँचती हूँ तो मैं इस पे कानून साजी ना सिर्फ करेंगे इंशाल्लाह, इस पे काम भी करेंगे और इंशाल्लाह वो दिन बहुत जल्द आएगा कि आप लोग बाकायदा एक इलेक्शन का हिस्सा होंगे और सिस्टम से, एक इस टिपिकल सिस्टम से निकलकर। वही बात मेरे भाई ने जो मुझसे पहले यहाँ खड़े थे कि जब तक इलेक्शन में पैसे की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा रहेगी ना, हम खवातीन रिजर्व सीट्स पे आने पे मजबूर क्यों होती हैं। अब मैं भी एक आम पाकिस्तानी हूँ ना, मैं एक मतवस्त तबके से मेरा ताल्लुक है, ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ना मैं किसी जागीरदार की बेटी या बीवी हूँ, मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ। मैं इलेक्शन लड़ने की सलाहियत शायद कई मर्दों से ज़्यादा बेहतर रखती हूँ, मैं अपने हलके में या अपने लोगों में इस हद तक ग्रास रूट तक हूँ, लेकिन जब बात इलेक्शन लड़ने की आती है और अरबों करोड़ों रुपये की आती है तो वो मेरे पास नहीं है। इस वजह से मैं शायद ये कदम उठाने से रह जाती हूँ, लेकिन मेरे में शायद वो कैपेसिटी है। इसी तरह यहाँ बैठे हुए मिनॉरिटी के बेशुमार लोग ये कैपेसिटी रखते हैं। हमें इलेक्शन से पैसा को और इस सिस्टम को बेहतर बनाने की ज़रूरत है और मेरे ख्याल में डायरेक्ट इलेक्शन इस चीज़ का भी बेहतरीन हल है, इस पर भी ज़रूर गौर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान जिंदाबाद। दीप जिसका मोहल्ला थी में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता। और दस्तूर का मैं आर्टिकल 218(3) से शुरू करता हूं जिसको मैं नहीं मानता, क्योंकि वहां पे इलेक्शन कमीशन को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप ऑनेस्टली, फेयरली एंड जस्टली इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे। और आज मेरे ना मानने की वजह भी यही है कि कौन आज मुत्तफिक होगा कि ये वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। क्या इलेक्शन ऑनेस्टली हो रहा है, क्या इलेक्शन फेयरली हो रहा है, क्या इलेक्शन जस्टली हो रहा है, ये सब मैनिपुलेशन हो रही है चीजें। और किस तरह इंतजाम करके आम लोगों की आवाज को, आम लोगों के मैंडेट को स्नब किया जा रहा है, मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूं। और ये मैं बिल्कुल दरेग नहीं करता ये कहने से कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने से कासर है। और इसके बाद ये जो हमारा सिस्टम है, मैं फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जब बात करता हूं तो मैं फिर आर्टिकल 40 पे आता हूं, मैं इसको भी नहीं मानता, क्योंकि आर्टिकल 40 पे बीइंग ए क्रिश्चियन मैं मुल्क का सरबरा नहीं बन सकता, प्रेसिडेंट हाउस मेरे लिए नो गो एरिया है। फिर मैं आर्टिकल 51 को भी नहीं मानता जिसमें अमेंडमेंट करके ये हमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम दिया गया। आर्टिकल 51 में आगे 6C में जाके पूरा हलका हमें, एक एमएनए के लिए पूरा पाकिस्तान हलका, ये पागलपन नहीं तो और क्या है। आपने खवातीन को जब कोटा तकसीम करते हैं नेशनल असेंबली की सीटों का, तो आपने प्रोविंशियल उनको नेशनल असेंबली के लिए कोटा दिया, लेकिन हमें पूरा पाकिस्तान हलका दिया। अब ये पार्टी की मर्जी है, वो सारे नुमाइंदे चाहे कैलाश से बना दे, वो सारे नुमाइंदे चाहे बलूचिस्तान से बना दे, वो सारे नुमाइंदे चाहे सिंध से बना दे, हमारा क्या इख्तियार है। ये डिस्क्रिमिनेशन है।
और हम इस डिस्क्रिमिनेशन और पॉलिटिकल स्लेवरी को नहीं मानते। फिर आप क्या करते हैं, आप इलेक्शन एक्ट 2017 बनाते हैं जिसके जरिए ये इलेक्शन हो रहा है। वहां पे आप उसका सेक्शन 206 देखेंगे और उसका चैप्टर नंबर 11, वहां पे आप कहते हैं, मैं पढ़ के बता देता हूं, पॉलिटिकल पार्टीज शैल मेक द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इलेक्टिव ऑफिसेस इंक्लूडिंग मेंबरशिप ऑफ द मजलिस-ए-शूरा पार्लियामेंट एंड प्रोविंशियल असेंबली थ्रू अ ट्रांसपेरेंट एंड डेमोक्रेटिक प्रोसीजर। तो क्या जो हमारी सिलेक्शन हो रही है ये डेमोक्रेटिक प्रोसीजर है, ये फेयर आप कर रहे हैं, ये कौन सा आपने तरीका है? कोई तरीका नहीं है, आपकी मन मर्जी है। और मैं आपको मजे से बताता हूं, 2002-03 में ये पहला इलेक्शन हुआ प्रीपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, ये पांचवा इलेक्शन है। पीपल्स पार्टी के एक MNA है जो अभी भी उनकी प्रायोरिटी नंबर पर, 25 साल से, वो 25वां साल होगा कि वो हमारे MNA नामजद बन के आगे हैं, 25 साल। हम ना उनको उतार सकते हैं ना हम उनको कुछ उनका बिगाड़ सकते हैं। फिर हमारे PMLN की जो मिनोरिटी का जो पूरे मुल्क का सदर है या पंजाब का शायद सदर है, उसको देख ले, ही इज इन पावर सिंस 25 ईयर्स। हमारी एक MPA थी खातून, कोई काम नहीं है, गुजरांवाला से उनका तलक है, 2 दफा काफली के टिकट से और 2 दफा PMLN के टिकट से, 20 ईयर्स। ये जब मरेंगे तो हमारी जान छोड़ेगी, आईन में कोई दर्ज नहीं है तरीके से जान छुड़वाने। ये क्या मतलब, आपने हमें कौन सी जमहूरियत दी है, ये कौन सी जमहूरियत का अपराध है? कोई जमहूरियत नहीं है, मतलब हम खामोश है। और अनफॉर्चुनेटली डिस्क्रिमिनेशन देखिए, अभी PTI से बैट वापस लिया गया, एज अ पॉलिटिकल पार्टी वो सरवाइव नहीं कर सकी। और जो उनकी माइनॉरिटीज हैं और उनकी जो खवातीन हैं, उनको नुमाइंदगी करने के हक से महरूम कर दिया गया। ना कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए कोई रेमेडी है, ना इलेक्शन एक्ट 2017 में कोई इसकी रेमेडी कोई नहीं है। तो क्या हम, क्या इस मुल्क में क्या कानून समझे और क्या आईन समझे? कोई रेमेडी नहीं, हम बिल्कुल खामोश हैं। तो इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन जो है ये बहुत गलत है। हम समझते हैं कि ये हमारा, ये बाज लोग हमारे कहते हैं, वो कंपैरिजन करते हैं कि इस सिस्टम में ज्यादा डिलीवर हुआ। हम इस पर कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, ये मेरा डेमोक्रेटिक राइट है, फंडामेंटल राइट है कि मैं जो अपने रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको अपने वोट की ताकत से चुनूं। अब सोल्यूशन की बात, सोल्यूशन कैसे होगा? अब पॉलिटिकल जो इलेक्शन एक्ट की दफा 206 है, उसमें आप लिखते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टीज जब जनरल सीटों पे टिकट देगी तो वो 5% खवातीन को इंश्योर करेगी कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज में टिकट दिए जाएं। सबसे पहले तो मैं ये समझता हूं कि ये बड़ी ज्यादती है, 50% से ज्यादा खवातीन की आबादी है और सिर्फ 5%। मुशर्रफ साहब ने 33% रिजर्व सीट दी थी, इसको इंक्रीज होना चाहिए और वहां पे अमेंडमेंट हो और ये लिखा जाए कि 5% अकलियतों के लिए ओपन कॉन्स्टिट्यूएंसी में सीटें रिजर्व की जाए, हर पार्टी को इसका पाबंद किया जाए, आर्टिकल 206 पॉलिटिकल इलेक्शन एक्ट 2017। अब इसमें आर्टिकल 51 में अमेंडमेंट होगी कि ये प्रीपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन खत्म होना चाहिए। अब इसमें दूसरा निजाम क्या होगा, ये मिक्स मेंबर प्रीपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये दुनिया में निजाम है, वहां पे जो रिजर्व सीट होती है खवातीन की हो या माइनॉरिटीज की, उनको भी एक बैलेट पेपर दिया, पार्टीज अपनी लिस्ट शाया कर देती है और लोग उस पर भी वोट डालते हैं, एक वोट ओपन कॉन्स्टिट्यूएंसी में डालते हैं, दूसरी रिजर्व सीट पर डालते हैं और वो मैंडेट लेके असेंबली में पहुंचती है। और इससे उनका, मेरी नजर में ये चंद एक सॉल्यूशंस हैं जो हम कर सकते हैं और गवर्नमेंट को करना चाहिए, हम इसके लिए जदोजहद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मुल्क पाकिस्तान में अकलीतों के साथ ये अलमिया रहा है कि बतौर तजर्बे के हम पे तजर्बे ही होते रहे, कभी हमें पूरा पाकिस्तान, पंजाब पूरा सूबे का हलका दे के जुदागाना थोप दिया गया और कभी हमें पार्टी सरबराहान के रहम व करम पे छोड़ दिया। जो नई डिमांड जो अकमल भट्टी साहब कह रहे थे, वो डिमांड बहुत सारे ममालक, हमारे मुल्क में भी वो प्रैक्टिस हो रही है। क्या एक कश्मीरी अपने MLA को वोट नहीं डालता?
वही कश्मीरी यहाँ पर जनरल इलेक्शन में अपने हलके के को वोट डालता है। ये कोई इतनी गलत डिमांड नहीं है। और हम समझते हैं कि हमारी हमें अपने नुमाइंदे अगर सीटें बढ़ा के हलका बंदी कर दी जाए, हम अपने नुमाइंदे भी चुने और जो जनरल हलके हैं वहां पे भी हम अपने नुमाइंदों को वोट डाल सके। हम कभी भी, और जितने मेरी कम से कम दानश्वर तबका है जो समझते हैं अपनी कौम के अच्छे बुरे अकलीतों का समझते हैं, वो कभी भी जुदागाना से जो जॉइंट इलेक्टोरल में आके दोबारा जुदागाना की तरफ नहीं जाना चाहते। और मैं समझता हूं कि आइन के प्रैम्बल में ये बात दर्ज है, जो लेस प्रिविलेज लोग हैं उनके लिए कुछ ज्यादा भी किया जा सकता है। तो जब वहां मौजूद है तो हम मैं ये आज मुतालबा करते हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से भी मुतालबा करते हैं कि हम आपसे वो वोट की अकलीती वोट की ताकत नहीं छीन रहे, वो आपके हलकों में मौजूद रहेगी, आपकी जमात की मौजूद रहेगी, लेकिन खुदारा हमें अपने नुमाइंदे मुंतखब करने के लिए जो है वो वोट का हक दोहरे वोट की सूरत में दिया जाए। हमें पाकिस्तान के इस जमहूरी नाम नहाद जमहूरी निजाम से नफरत है। हाफिज़ लियाकत साहब यहाँ पर बैठे हैं, इनके हलके में 15 साल सीएम पंजाब शहबाज शरीफ साहब रहे हैं, इनके साथ जाएं विजिट करें उस हलके को क्या हालात है। मैं लाहौर को पेरिस बना दूंगा, हाफिज़ साहब इनको पेरिस दिखाकर लाएं काने वाली साइड पे। तो ये सब झूठ है। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नाम भी झूठ है, पाकिस्तान में जमहूरियत भी झूठ है। पाकिस्तान में 5,000 बंदे हैं जो कमरों में बैठकर फैसला करते हैं, आप मैं हम सब पाबंद हैं कि मुसल्लत करदा फैसलों को तस्लीम करें। इसके लिए जो जिद्दोजहद हो रही है, रवादारी तहरीक कर रही है, मुख्तलिफ लोग कर रहे हैं, मैं रवादारी तहरीक को सराहता हूँ, इनको सलूट भी पेश करता हूँ, इनके साथ भी हूँ। मैं बिल्कुल इस बात की तायद करता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक नुमाइंदा होने की हैसियत से, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन होने की हैसियत से मुझे कुछ अख्तियार जिम्मेदारियों के साथ मौजूद हैं। मैं डिस्कस भी करके आया हूँ पार्टी के साथ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी जद्दोजहद करते हुए आगे बढ़ रही है। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अगर हमारे माजी को देखा जाए तो शहबाज भट्टी शहीद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, वो भी हमारे भाइयों की नुमाइंदगी करते हुए शहीद हुआ। कि बरसों से ऐसे लोग काबिज हैं जो सिर्फ और सिर्फ चापलूसी करके पार्टियों के अंदर विराजमान हैं, मुख्तलिफ सीटों पर वजारतों के मज़े भी लेते हैं और काम भी कुछ नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फिर भी यह एजाज़ हासिल है कि आज भी माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन, सूबा सरहद का इलाका हो या सिंध के रेगजार, तीर के निशान पर जनरल इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोशिश की है कि इस स्ट्रीम लाइन को बेहतर किया जा सके। ऐसे तमाम इकदाम के लिए हम हाजिर हैं, बिलावल भुट्टो साहब भी, आसिफ जरदारी साहब भी, इस दहशतगर्दी, इस इंतहा पसंदी, इस वहशत नगरी को ख़त्म करने के लिए, अमन, भाईचारा और सलामती को बढ़ाने के लिए आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान में 76 सालों से जो यहाँ की माइनॉरिटी है उनको यही नहीं पता चल सका कि हमारे मुतालबात क्या है। जब सेपरेट इलेक्शन होता है तो हम कहते हैं कि जनाब हम तो कौमी धारे से बाहर हैं, उस वक्त भी इस तरह के सेमिनार होते हैं, इस तरह की तहरीकें चलती हैं कि हमें कौमी धारे में शामिल कर लिया गया। जब हम कौमी धारे में शामिल हो जाते हैं तो फिर कहते हैं नहीं, हमारा सेपरेट इलेक्शन होना चाहिए। तो बुनियादी तौर पर तो मैं समझता हूँ कि हमें पाकिस्तान की जो हमारे थिंक टैंक है, सैमसन सलामत साहब जैसे, अकमल भट्टी साहब जैसे, ताहिर नवीद चौधरी साहब जैसे, इनको मिल बैठकर इन चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना चाहिए। हमें निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए, किसी भी सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए हमारे लिए क्या क्या जो चीज़ें हैं वो बेहतर हैं। क्योंकि मैंने पिछले 4 सालों में जिस शख्स ने भी कहा है कि नहीं जी इलेक्शन नहीं इलेक्शन, तो जब उस
इसकी फॉर्मेशन उनसे मैंने पूछी है, इसका बेहतर पूछा है, तो आगे बंद के लिए आ गई है, कोई मुझे इसकी बेहतर कोई रिजल्ट नहीं बता सके कि कैसे इसको इसने बेहतर होना है। तो मैंने कोशिश भी की है, लेकिन बाज़ दफ़ा इन हमारे दोस्तों के पास टाइम नहीं होता, बाज़ दफ़ा हम कहीं मिल नहीं बैठ सके, और कोई ऐसा डॉक्यूमेंट भी सामने नहीं आया जिसमें इस निज़ाम की अफादियत और उसके जो जो ख़राबियां हैं उनके बारे में कोई बहुत ज़्यादा रोशनी डाली जा सके। लेकिन एक चीज़ जो मुहतरमा सादिया सहेल साहबा और दूसरे लोग ने आकर कही है कि जी इस सिस्टम के तहत कोई बात नहीं कर सकता, जितने लोग जुदा गाना इंतखाबात के तहत नुमाइंदगी में आए, असम्बलियों में आए, उनका मुझे कोई एक काम गिना दें। जितने लोग सिलेक्शन सिस्टम से आए, शहबाज भट्टी साहब भी इसी का हिस्सा थे, उन्होंने 5% कोटा करवाया, उसके बाद सेनेट में नुमाइंदगी कराई, तो उसके बाद मुझे मौका मिला, शहबाज भट्टी के बाद मुझे ये एजाज़ हासिल है कि उसके बाद जो काम किया मैंने किया, और मेरा चैलेंज है कि मैं जितना काम 76 सालों में मैं कर सका हूँ पंजाब में, अभी तक किसी को तौफीक नहीं हुई। तो मैं भी उसी सिस्टम का हिस्सा था, लेकिन बात यह है कि हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी, मुझे तो किसी पार्टी के हेड ने ये नहीं कहा कि तुम ये करो तो ये ना करो, मुझे किसी ने ये भी नहीं इंस्ट्रक्शन दी कि तुमने असम्बली में ये बोलना ये नहीं बोलना। ये अपने आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना डिलीवर करना चाहते हैं और कितना करते हैं। तो यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि मेरी ये तजवीज़ भी है कि हमें एक हाई लेवल डेलीगेशन बनाना चाहिए, जिसमें हमें एक पूरे इन चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें आपस में बैठकर इस पर जो है एक डिबेट होनी चाहिए कि बेहतर चीज़ें क्या है, फिर उसके साथ ही पॉलिटिकल पार्टियों के साथ लॉबिंग करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में ऐसा ही रिवाज है कि जहाँ भी चाहे अमेरिका हो या कैनेडा हो या यूके हो, वहाँ पे जो वहाँ तो लोग लॉबिंग जो है कंपनियाँ हायर करते हैं इस तरह की लेजिस्लेशन कराने के लिए। तो यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि हम जब एक बड़ा डेलीगेशन बनाएंगे तो फिर ही हम इसको बेहतर तरीके से एडवोकेसीज की कर सकेंगे। तो बुनियादी तौर पर मेरा सैमसन सलामत साहब से भी ये रिक्वेस्ट है कि इसके लिए सबसे पहले हमें जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे मिलने से ही ये मामला हल होंगे, ना कि हमारे आपस में मिलने से। तो यकीनी तौर पर ये मेरी तजवीज़ है। थैंक यू जी। नहीं मैं उन्होंने गलों से 100% अग्री करनी हूँ। इतने बैठे हुए मैं सोच रही थी कि कितनी खुशकिस्मती है कि मैं किसी सियासी जमात का उस तरह हिस्सा नहीं हूँ। मैं सिर्फ जी गल एक ही कहना चाह रही हूँ, तो वह एक गल है कि अगर दुनिया की तारीख अगर आप पढ़िए, लोगों के बहुत बहुत बुरे हालात लोगों ने जिंदगी गुजारी है, जिहड़े साडे इस वक्त हालात ने, लोग इस तो भी बुरी सिचुएशन है, लेकिन उन्होंने जिंदगियां बेहतर हुई, उन्होंने खुद कोशिशां कीतियां। अगर आप एक दूजे के उपर पावे कि मेरा काम सैमसन करेगा तो सैमसन का काम एजाज आलम ऑगस्टिन करेंगे, तो इस तरह चीज़ा नहीं बदलनिया, चीज़ा सानू सारू रल के कोशिश कर बदलनिया ने। मैं इस स्टेज पर बैठी हुई एक उस मनोरिटी रिप्रजेंट कर रही हूँ कि मैं मजोरिटी भी हाँ, लेकिन असी औरत आबादी दर का हिस्सा, तो किनिया किनिया बड़िया पोलिटिकल पार्टी ने वो जनरल सीटा तो जिमें सैमसन ने कहा कि औरतों भी उस तरह नहीं लिया, जिथे हारना होंगे उत्थे लैके आते, तो पाकिस्तान का जोड़ा आईन है वो अमेंडमेंट हो सकती है, ऐसी पार्लीमेंट आए जिसे दिल से ख्याल होए कि असी चीज़ों ठीक करना है, जोड़ा गंद पे उन्होंने साफ करना है, और साडे मुल्क जो चलाने वाली ताकत ने जोड़े प्राइम मिनिस्टर या पार्लीमेंट या वो पिछे जोड़े लोग होंगे ने जोड़े लैके आते हैं फिर कटते हैं फिर लैके आते फिर कटते, उन्होंने सोचना चाहिए कि हूँ ना हद हो गई है, पूरी दुनिया असं जलील हो गए हैं, साड़ी कोई इज्जत नहीं, साडे बच्चे फ्रस्ट्रेटेड ने, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, पाकिस्तान की नौजवान नसल इतने रहना नहीं चाहती, तो इतने अगर बच्चे नौजवानों ने रहना नहीं तो साड़ी उम्र के लोगों ने कुछ सालों बाद इतने मर जाना है,
ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਖਾਲੀ ਫੌਜ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ, ਮੁਲਕ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹਾਕਮੀਅਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਈਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ ਹਰ ਡਿਕਟੇਟਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਲੈਕਟਿਡ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 8 ਦਿਨ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦੇਈਏ ਆਪਣੀ ਇਸ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੰਘਣ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।